बड़ी खबर आपको बताते हैं। एल्विश यादव की तलाश में पुलिस की छापेमारी तेज हो गई है। नोएडा पुलिस 3 राज्यों में छापेमारी कर रही है। एल्विश से संपर्क पुलिस नहीं कर पा रही, ये भी खबर सामने निकल कर आ रही है। एल्विश की जल्द गिरफ्तारी होगी, नोएडा पुलिस की तरफ से कहा गया। जो बरामद जहर है उसकी FSL जांच कराने की तैयारी है। तो नोएडा पुलिस 3 अलग अलग राज्यों में इस वक्त तलाश कर रही है एल्विश यादव को। आप जानते हैं अभी तक 9 सांप बताया जा रहा है और साथ ही 20 ml के करीब स्नेक वेनम, सांप का जहर जो पुलिस ने बरामद किया है, उसी सांप के जहर की जांच कराने की तैयारी FSL में भेजा गया है और उसके सैंपल की जांच की जा रही है। एक इंफॉर्मेशन मिली थी, उस इंफॉर्मेशन के आधार पे सेक्टर 49 की टीम और जो वन विभाग की टीम है, इसके द्वारा ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया। इस ज्वाइंट ऑपरेशन में 5 लोग जो है गिरफ्तार हुए हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। उनके पास से 9 सांप, जिसमें कोबरा है और अन्य सांप है, और लगभग 20 ml का स्नेक वेनम मिला हुआ है। उसको भी हम लोग सभी बिंदुओं की जांच कर रहे हैं। इसमें जो तहरीर है, उस तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें सभी बिंदुओं की गहराई से जांच की जा रही है। जो भी इसमें दोषी, उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो अभी पूछताछ चल रही है, जो भी इसमें बिंदु आए हैं, जिन लोगों ने अभियोग पंजीकृत कराया, उन्होंने बताया है कि इनके ही, एल्विश यादव के ही थ्रू कोई संपर्क हुआ था और उसके थ्रू ही एक लड़का राहुल है, उससे एल्विश का संबंध था और वहाँ पे लोग एल्विश से ही उसका, राहुल का नंबर मिला, जैसा तहरीर में गौरव गुप्ता ने दिया है। और इस आधार पर हम सभी बिंदुओं की गहनता से जांच कर रहे हैं। जो भी इसमें दोषी होगा, उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई। जब सियासत के शोर में खबर खोने लगे, जब सूचनाएं कम, हंगामा ज्यादा होने लगे, तब जरूरी है संविधान के पन्ने पलटना, खबर की तह हटाकर आगे निकलना। मगर ये करेगा कौन? इसलिए अब टूटेगा मौन, जिसे मालूम है सियासत की बिसात, जिसने देखी है सत्ता की शह और मात। पक्की खबर, सच्ची बात, एक घंटे सिर्फ आपके साथ, भारत की बात, रोहित सिंह सावल के साथ, सिर्फ ABP न्यूज पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।